नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जिस तरीके से बैंक निफ्टी की रफ्तार यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रही है तो कल एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। तो जल्दी से चलते हैं हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा पर और समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे जहाँ पे कि हम समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी डाटा को, देखेंगे यहाँ पे कि एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है। तो सबसे पहले क्लोजिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की रफ्तार जो इतनी तेज़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 27,500 जैसे निकाला है बैंक निफ्टी ने, नॉन स्टॉप रैली दी है और कहाँ पर पहुँच गया है 28,884 पे, 2,884 पे यहाँ पे पहुँच गया है और 29,000 का ये जो हाई बनाने की कोशिश कर रहा है वो एक लाइफ टाइम हाई होगा क्योंकि अब हर दिन ये लाइफ टाइम हाई पे ही जाके ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 29,000 के लेवल पे क्या हो रहा है और 28,800 के लेवल पे क्या हो रहा है। सबसे पहले 28,800 की जो पुट है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4,24,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है बैंक निफ्टी की जो 28,800 की पुट है। वहीं अगर मैं कॉल की बात करूं तो 28,800 की जो कॉल है वहां पे सिर्फ 1,77,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और यहां पे भी शॉर्ट कवरिंग आई है कि इतनी तेज़ी से यहां पे पुट राइटिंग ऊपर शिफ्ट हो रही है, जितनी तेज़ी से यहाँ पर कॉल राइटर अब कॉल राइट करने से भी डर रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए यहाँ पर 29,000 के लेवल की बात करूँ तो 29,000 का लेवल आप देख सकते हो, 29,000 की जो पुट है वहाँ पे 1,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। वहीं कॉल की बात करूँ तो कॉल पे कितना है 5,61,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसके बाद अगर ऊपर की इसके बात करूँ 29,100 की तो 29,100 पे अगर देखा जाए तो 15,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट पे है और 29,100 की कॉल पे बात करूँ तो कॉल पे 5,00,000 का है। इसका मतलब यही है कि 29,000 के लेवल पे शायद बैंक निफ्टी आके रुक सकता है, बट ये शायद है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कंफर्मेशन है, शायद रुक सकता है क्योंकि ऊपर पुट राइटिंग नहीं है बट हर दिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पुट राइटिंग ऐड हो रही है। तो कल जो एक्सपायरी होने के चांसेस बन रहे हैं वो पूरे पूरे वो बन रहे हैं 29,000 और 28,900 के बीच में, क्योंकि 28,900 की जो पुट है वहाँ पे 2,50,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 28,900 की जो कॉल है वहाँ पे 3,82,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब यही है कि 28,800 और 28,900 इसके बीच में भी एक्सपायरी हो सकती है या 28,900 के नियरेस्ट आपको एक्सपायरी होते हुए दिखाई दे सकती है बैंक निफ्टी की। बट 28,900 अगर निकला तो फिर एक बार 29,000 भी टेस्ट कर सकता है बैंक निफ्टी बहुत आसानी से, और 29,000 अगर टूट गया कल के दिन में तो फिर आपको शॉर्ट कवरिंग का मूव और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है इस एज पर द डाटा, क्योंकि अभी सिस्टम में है कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है। बट 29,000 के ऊपर शायद इतनी जल्दी ना निकले, जिस तरीके से आज मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था तो वैसी कंसोलिडेशन कल हो सकता है और एक्सपायरी जो हो सकती है वो 28,800 या 28,900 के नियरेस्ट होती हुई दिखाई देगी। एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं कि कैसा यहाँ पे है। देखिए 124 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कॉल लेके काम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, कोई भी डिप आता है तो उसमें आप काम करिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। रेदर देन आप पुट खरीद के बैठोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप कॉल पे ध्यान दीजिए और डिप आती है तो कॉल लेके काम करिए। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।